नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गुजरात के मोडासा शहर में ओबीसी की पार्टी AIMIM के कैंडिडेट की बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। रैली में काफी संख्या में लोग नजर आए और इसी दौरान न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, जिसके बाद लोगों ने कहा कि मोडासा में लगातार कांग्रेस राज करती रही है, लेकिन कांग्रेस ने यहां की जनता का विश्वास तोड़ दिया है। इसलिए आगामी चुनाव में हम लोग ओबीसी की पार्टी को जीत कर गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और मोडासा को कांग्रेस मुक्त करेंगे। जानिए वहां की जनता ने और क्या कुछ कहा। मैं प्रणोशी राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, और मैं अभी गुजरात के जो मोडासा इलाका है, मोडासा गांव है, वहां पे आया हूं। और वहां पे जो आम आदमी और जो एम्स की पार्टी, जो ओबीसी की पार्टी है, लगातार गुजरात में भाजपा को टक्कर देने जा रही है। इस बदौलत अभी मेरे पास जो मोडासा के एम्स जो ओबीसी की पार्टी के जो कैंडिडेट है वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। किस प्रकार का आप कैंडिडेट हो और ओबीसी की पार्टी है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को किस तरह के टक्कर देने जा रहे हो? हमारी टक्कर यहाँ पे बीजेपी की सीधी सीधी बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हमारे वार्ड में सीधी हमारी टक्कर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों से है, जबकि पिछले कई सालों से यहाँ पे कोई किसी भी टाइप का विकास नहीं हुआ, कुछ भी टाइप के काम नहीं हुए, पब्लिक बहुत परेशान है। इसको मद्देनजर देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि सारे कैंडिडेट को वार्ड नंबर 8 के चारों कैंडिडेट को AIMIM से उम्मीदवारी किया जाए। इसीलिए हम यहाँ पे इस वार्ड से, वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवारी करते हैं। मेरे साथ मेरे सह उम्मीदवार लाला भाई वायरमैन भी है, मेरा नाम बुरान चगन है। और हम हमारी पब्लिक, हमारी आवाम को ये भी कहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे उम्मीदवार को चुनो और ऐसा एक मजलिस का माहौल बनाना चाहते हैं हम कि ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत सारा विकास हो, यही हमारा रोल है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्यों हराना चाहते हो, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है, बीजेपी को क्यों हराना नहीं चाहते? क्यों कांटे की टक्कर बीजेपी के साथ नहीं है? इसलिए कांटे की टक्कर बीजेपी के साथ है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस वार्ड में बीजेपी को पूरी 4 सीट पर अपने उम्मीदवार भी खड़ा नहीं रख। इसी वजह से सीधी सीधी टक्कर बोली जाए तो 4-4, 1-1, 8-8 सीधी हमारी टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवारों से। कहीं ना कहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी और ओबीसी की पार्टी ने एंट्री दे चुकी है और दस्तक दे चुका है, क्या यही कारण है कि बीजेपी अभी ये सभी वोटों पे लगातार अभी उनको दहशत का माहौल बना जा रहा है कि ओबीसी की पार्टी भी अभी टक्कर दे रही है? आम आदमी पार्टी ने सूरत में 27 सीट ला के दस्तक दे दी है, तो क्या लग रहा है यहाँ पे भी मोडासा में भी क्या ओबीसी की पार्टी लेके आएगा? जिस तरह से गुजरात में हम पिछले कई सालों से देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बिल्कुल, जो विरोध पक्ष है ना, वो बिल्कुल विरोध पक्ष में फैल हो चुकी है। उसने गुजरात में बीजेपी के जितने भी ये जो पेट्रोल के दाम हैं आदि जितने भी चीज़ें हैं उनमें कहीं भी किसी भी टाइप का विरोध दर्शाया नहीं है। यानी कि एक तरह से पब्लिक में काफ़ी सारा रोष है, उस रोष को देखते हुए नई नई पार्टियां एंटर होने वाली है, ये तो जाहिर सी बात है। इसी तरह से मजलिस भी, AIMIM पार्टी भी अच्छी पार्टी है, इसकी छवि बिल्कुल साफ है, सबको साथ में लेके चलती है। इसलिए जैसे कि आपने पिछले दिनों में भी देखा कि 2-3 दिन पहले की रिजल्ट में अहमदाबाद में भी 7 सीटों पर जीत के धमाकेदार एंट्री कर ली है। इंशाल्लाह इस बार यहाँ पे भी मोडासा में भी हम अपना मजलिस का परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ, ये तो थे कैंडिडेट, लेकिन आम आदमी को भी पूछा जा रहा है क्या कहना चाहते हैं, परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? परिवर्तन हमको चाहिए और चाहिए। किस प्रकार का परिवर्तन चाहिए? हमें रोड, पानी, हर चीज की सुविधा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, बगीचे चाहिए, हर चीज चाहिए हमें। जिस प्रकार से गुजरात में जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार तो लगातार कहती है कि विकास तो बहुत सारे किए गए, तो क्या विकास नहीं मिला? वो खाली नाम का विकास है। मोदी जी वहाँ कह रहे हैं कि विकास हुआ, उनका खुद का विकास नहीं हुआ, उनकी बाड़ी आज तक नहीं आई, तो इनका विकास तो हुआ ही नहीं, फिर कहाँ से अपना विकास करेंगे वो? तो जैसे एम्स पार्टी है, ओबीसी की पार्टी यहाँ पे जीत के आती है, तो आप किस प्रकार के विकास का कार्य चाहिए उनके साथ? हम तो कोई भी पार्टी यहाँ जीते हैं, लेकिन AIMIM पार्टी आती है तो हम विकास का इनसे उम्मीद रख सकते हैं। कांग्रेस कई सालों से यहाँ जीत के आती है, लेकिन अभी तक यहाँ विकास का काम नहीं हुआ, और हम तो उम्मीद है कि AIMIM पार्टी आएगी तो यहाँ विकास का कार्य भरपूर करेगी। जी हाँ, मेरे साथ एम्स के जो प्रवक्ता है जो मेरे साथ जुड़ गए, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद रवीश। प्रवक्ता है, और क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से पूरे गुजरात में टक्कर दे रहे बीजेपी और कांग्रेस को आपकी पार्टी? इंशाल्लाह मोडासा के अंदर भी इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, और मोडासा का जो कांग्रेस पार्टी का सदर है वो कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की एजेंट है। मैं कहता हूं कि आपका अहमदाबाद का जिम्मेदार वजीर खान ने कहा था कि बीजेपी जीत जाए चलेगा,
लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं जीतना चाहिए। तो कांग्रेस जो है बीजेपी की सपोर्टर नज़र आ रही है, बीजेपी की बी टीम नज़र आ रही है, जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया के वो जो है जीत जाएगा चलेगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं जीतना चाहिए। जो जिसकी हुकूमत में एहसान जाफरी के 10 टुकड़े कर दिए वो जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस नहीं जीतना चाहिए। दंगाई जीतना चाहिए लेकिन मजलिस नहीं जीतना चाहिए। इनके ये बयानात की मैं मजम्मत करता हूँ और वजीर खान से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे 56 आएंगे और जाएंगे बहुत सारे लोग जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफिन को मैं एक जवाब देना चाह रहा हूँ। जितनी तुमको हिम्मत है, ताकत है, जितनी मुखालिफत करना है कर लो, फेसबुक पे जितना है लिखना है लिख लो, व्हाट्सएप पर आपको जितना भी लिखना है लिख लो, लेकिन खुदा की कसम हम एक इंच भी गुजरात की सरजमीन पर पीछे हटने वाले नहीं गए। तुम अगर आँख दिखा के बात करोगे तो हम भी आँख दिखा के बात करेंगे, अगर तुम आस्तीन चढ़ाओगे हम तुम्हारे गिरबान से खेलने के लिए हम तैयार हैं। परिवर्तन की भाषा बोली जाए तो परिवर्तन क्या चाहिए? हाँ, परिवर्तन देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारे इलाके का दौरा किया जिसमें हमारे बुरहान साहब जो कैंडिडेट है वहाँ पर तुम चलने के लिए रोड नहीं देते हो, क्या कर रही थी मोडसा का मेयर, मोडसा की हुकूमत यहाँ पे क्या कर रखी है? अरे जो सरकार चलने के लिए मोडसा की आवाम को एक रोड नहीं दे सकती वो हुकूमत कैसे चलाएगी? और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मोडसा का जो सदर है इकबाल, वो ये कहता है कि यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए, मैदान में आए और उसके बाद दरगाह पे गए और चले गए। क्या मोडसा के सदर से मेरा सवाल है, क्या दरगाह पे जाना गुनाह है? क्या अल्लाह के वलियों के दरबार में अगर जाना है गुनाह है जाना, तो आप ऐलान कर दीजिए। जिस तरीके से अहमदाबाद की आवाम ने हमें 7 सीट दिया के, बिल्कुल उसी तरीके से इंशाल्लाह यहाँ की आवाम हमें वोट देगी। और मैं कांग्रेस के मोडसा के सदर से कहना चाह रहा हूँ कि आपका कांग्रेस पार्टी का लॉ मिनिस्टर जब मनमोहन सिंह की जो हुकूमत थी उसके अंदर उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर कहा था कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मुसलमानों के खून से लाल है। मैं मोडसा गुजरात की आवाम से सवाल करता हूँ, जो हाथ मुसलमानों की इज्जतदार माँ और बहनों के खून से लाल है, क्या मोडसा की आवाम उनको वोट देगी? ये फैसला आपको करना के, आपने सबको आजमाया, एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी आजमा के देखिए, यकीनन मोडसा की सरजमीन पर आप एक तब्दीली देखेंगे। और वो मोडसा का सदर ये भी कहता है कि इनके पास कॉलेज है, यूनिवर्सिटी या फ्री में एडमिशन नहीं करते हैं ये लोग, तो मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ कि अधूरी बात कहकर आप गुजरात मोडसा की आवाम को भड़काइए नहीं। 14 स्कूल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर फ्री की किताबें हैं, फ्री का बेल्ट है, फ्री का बुक है, फ्री का हम बैग दिया जाता के गरीब बच्चे, 10,000 गरीब यतीम बच्चे जिनको खाने की तकलीफ है वहाँ पर फ्री की किताबें, हर चीज़ फ्री में दी जाती है। और वहाँ के हमारे एमपी साहब बैरिस्टर सद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक मरतबा अपने काउंटर के ऊपर, अपने डाइस के ऊपर बैठे थे दारुस्सलाम के अंदर, एक गरीब बच्चा जिसका वालिद रिक्शा ड्राइवर था आके कहता है कि अकबर साहब हमें अमेरिका से एडमिशन आ गया। अकबर साहब ने कहा मुबारक हो, जाइए आप पढ़िए। तो वो गरीब बच्चा कहता है कि असद साहब, अकबर साहब मेरे पास पैसे नहीं गए कि मैं वहाँ तक जाऊँ। दूसरे दिन असद साहब, अकबर साहब जो है चीफ मिनिस्टर के पास जाते गए और कहते हैं कि हुकूमत इनको सब्सिडी क्यों नहीं देती, हुकूमत इनकी मदद क्यों नहीं करती। यकीन जाने वहाँ का चीफ मिनिस्टर हैदराबाद का कहता है कि अकबर भाई, असद साहब आपके मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे? असद साहब ने कहा पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी। यकीन आपको होगा मेरी बात को सुनकर कि हैदराबाद की सरजमीन पर 900 बच्चे अमेरिका, लंदन, पेरिस तालीम हासिल कर रखे गए, वहाँ की हुकूमत 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया स्टूडेंट्स को देती है पढ़ने के लिए देती है।
आपको हैरत होगी जानकर कि जब हैदराबाद व दक्कन की सरजमीन पर हमारे बच्चे जब पढ़ के आएंगे, इंजीनियर डॉक्टर आईएएस आईपीएस बनकर निकलेगी, तो ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा, मोडासा भी देखेगा। मोडासा की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताइए। हमने वहाँ पर जो अपने नुमाइंदे उतार कर, हमने हर जगह जो काम किया, महाराष्ट्र में हमने काम किया और यहाँ पर भी इंशाल्लाह हम वही काम करेंगे। जय हिंद, जय गुजरात, जय महाराष्ट्र साथी। जिस प्रकार से ये प्रवक्ता थे हमारे साथ जुड़ गए थे और काफी सराहनीय बात उन्होंने यहाँ पे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को बताई है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।